फ्रेंड्स इमली की चटनी बनाने के लिए आपको 50 ग्राम इमली लेने की है, जिसे आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए भिगो के रख देना है। जब इमली अच्छे से भीग जाएगी तो आपको इसे ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंड करके इसका पल्प निकाल लेना है। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद आपको इमली का एक ऐसा पल्प मिलेगा। इसकी चटनी के लिए आपको चाहिए गुड़, हाफ टेबल स्पून राई, हाफ टेबल स्पून जीरा, 2 चुटकी अजवाइन, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्राई पैन लेना है, उसके अंदर आपको 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालना है। ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। मस्टर्ड सीड के बाद आप इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 चुटकी अजवाइन डाल देंगे। जैसे ही राई, जीरा और अजवाइन फूटने लगे उसके बाद आप इसमें इमली का पल्प डाल देंगे। इमली का पल्प डालने के बाद आप इसको अच्छे से चलाएंगे। फिर इमली के अंदर आप जैगरी डाल देंगे। जैगरी डालने के बाद आप इसे अच्छे से हिलाएंगे। जैगरी के बाद आप इसमें थोड़ा सा शुगर डाल दें ताकि इससे टेस्ट अच्छा आए। अब आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पल्प बहुत थिक है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसे आप 3 से 4 मिनट के लिए पकने दीजिए। अच्छे से आप इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकने दें। 2 मिनट के बाद आप इसको चेक करेंगे और थोड़ा अच्छे से हिला देंगे ताकि जो जैगरी है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आप देखेंगे कि अगर जैगरी फुल मिक्स हो गया तो आप इसे खोलकर थोड़ी देर पकाइए ताकि इसका जो भी भाप है वो थोड़ा उड़ जाए और ये थोड़ी थिक हो जाए। जब ये पककर रेडी हो जाए तो आप इसमें हल्का सा दालचीनी पाउडर मिला दीजिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स करकर आप अपनी गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। इमली की चटनी को उतारने के बाद आप उसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए।
एंड फ्रेंड्स ये रेडी हो गई आपकी इमली की चटनी, जो कि आप किसी भी पकौड़ों या फिर दही बड़ा या फिर आप किसी भी चीज़ के साथ डालकर खा सकते हैं।